नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी कौवा और कौवी की कहानी है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे जिस व्यक्ति की मृत्यु जब और जहां होनी होती है वह इंसान वह निश्चित समय पर कैसे पहुंच जाता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, आज की ये कहानी आपके जीवन को बदल के रख देगी। प्रिय दर्शकों, इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय साथियों, आज की ये पौराणिक कथा इस बात का सारा भ्रम खोल देगी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस स्थान पर वो कैसे पहुंच जाता है, एनी टाइम निश्चित समय पर वो कैसे हाजिर हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कौवा को यम का दूत भी कहा जाता है, यम का संकेत भी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवे के बारे में शास्त्र कहते हैं कि कौवे को भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। कौवे को 6 महीने आगे का भविष्य और 6 माह पीछे का भविष्य मालूम होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं ये कभी मिथ्या नहीं हो सकते, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल परम सत्य है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शक बंधु हो, ये प्राचीन समय की बात है। उस एक कौवा का जोड़ा बैठा हुआ था। प्रिय दर्शक बंधु हो, गर्मियों की रात थी, ठंडी ठंडी पवन चल रही थी। तभी कौवे के मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और वो कौवा से कहने लगती है कि प्रिय, आप मुझे ये बताएं कि कौवा प्रजाति को लोग अशुभ क्यों मानते हैं, इनको यम का दूत क्यों कहा जाता है, यम का संकेत लाने वाले क्यों कहा जाता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, कौवी और कौवा से कहती है कि इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएं कि जब किसी जीव जंतु की मृत्यु होती है और जिस स्थान पर उसकी मृत्यु होनी होती है उस स्थान पर वो कैसे पहुंच जाता है, निश्चित समय पर वो कैसे हाजिर हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, तब कौवा कौवी से कहता है कि प्रिय, आपकी प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को बड़े ध्यान से और चित मगन होकर सुनिएगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधु हो, तब कौवा कहानी शुरू करता है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। कौवा कहता है कि प्रिय, मानव पशु पक्षी सभी जीव जंतु के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करता है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए थे और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम, विद्वान, कुशल प्रजापालक, धर्म यज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। कौवा कहता है और कौवी बड़े ध्यान से सुनती है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे तथा राजा विक्रमादित्य रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात और कुशाल जानने के लिए जाया करते थे, नगर में भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। भ्रमण करते करते मृत वेला का समय हो गया, पांव फटने लगे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर खुलाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया
और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा दौड़ा आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वे नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए और भय के कारण कांपने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओ, इस कथा को कौवा अपनी पत्नी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, अब वो लकड़हारा बहुत घबरा जाता है, धड़कने तेज हो जाती हैं और उसके हाथों से वृक्ष की डालियां छूट जाती हैं, वृक्ष की टहनी छूट जाती हैं और वो लकड़हारा नीचे गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है और उसके प्राण फकीर उड़ जाते हैं। तब वो रीछ वृक्ष के नीचे उतरा और राजा को देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के पास ही एक कुएं की जगह अर्थात मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा कौतूहल से ये सब देख रहा था और राजा अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देखो भाई कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। प्रिय दर्शक बंधु हो, छोटे भाई की इस बात को सुनकर बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के नाते पहले मेरी बारी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोलता है कि इससे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। प्रिय दर्शक बंधु हो, तब बड़ा भाई बोलता है कि हम तो व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ ले कि ये लड़की हम दोनों में से किसे पसंद करेगी, वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वे लड़की बोली कि मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला कि तुम्हारा पति कहाँ है, तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा अपनी पत्नी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, उन दोनों भाइयों की बात सुनकर तब वो लड़की बोली कि अभी तो मैं कुंवारी हूं और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूं। प्रिय दर्शक बंधु हो, तब छोटा भाई बोला कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तब वो लड़की बोली कि मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले कि क्या शर्त है तुम्हारी। तब वो लड़की बोली कि तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। प्रिय दर्शक बंधु हो, इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। प्रिय साथियों, इस कथा को कौवा कवि को सुना रहा है और कवि बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। प्रिय दर्शक बंधु हो, कौवा आगे कवि से कहता है कि प्रिय, इसके बाद लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट के आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण गवा दिए। तब वे लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। कौवा कवि से कहता है कि प्रिय, इन सब घटनाओं को राजा अपनी नजरों से देख रहे थे। राजा विक्रमादित्य अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। उसके बाद राजा सोचने लगा कि अब ये छलावा लड़की न जाने क्या करेगी। ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी
थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीच के वृक्ष पर चढ़ने और फिर सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर उन्हें अपनी भूख प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। प्रिय दर्शक बंधु, इस कथा को कौवा कौवी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, इसके बाद राजा को ध्यान रहा तो केवल उसी रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा, अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा नहीं रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते देखते ही एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी, अपितु एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा कौवे को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वे भयानक जहरीला नाग नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा को देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वे जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पे खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वे जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में सवार लोगों में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा कौवी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, जो लोग पानी में तैरना जानते थे वे तो तैरकर नदी से बाहर निकल गए, और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूब कर मर गए। थोड़ी देर के बाद वो नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला और इस बार वो नाग से एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस भले रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब एक उचित अवसर है, क्योंकि इस समय ये भले एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, अब मैं इससे इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूं। ये सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस छलावे रहस्यमयी बला का पीछा कर रहे थे। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा कौवी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, इसके बाद राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलने लगे। तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण छलावे के सन्मुख पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस छलावे वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि आप कौन हैं? तब वे बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ब्राह्मण हूं। तब राजा विक्रमादित्य बोले कि आप असत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। तब वे छलावा वृद्ध ब्राह्मण बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं कौन हूं। तब राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तब वे वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। तब राजा विक्रमादित्य बोला कि मैं सच्चाई जानने के बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा।
आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब वो वृद्ध छलावा ब्राह्मण बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोला कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीच बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाहियों को एक दूसरे के हाथों से मरवा दिया। फिर आपने जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई और नाव पलट गई। आधे यात्री नदी में डूब कर मारे गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कथा को कौवा कभी को सुना रहा है और कवि बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय राजा विक्रमादित्य और उस छलावा व्यक्ति से कहते हैं कि अब आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है, अब सीधी तरह से आप सच बता दो कि आप कौन हो। तब वो छलावा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बोला कि यदि मैं नहीं बताऊं तो। ये सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम जानते नहीं ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते, अब मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। प्रिय दर्शक बंधु हो, कौवा आगे कहता है कवि से कि प्रिय अब राजा विक्रमादित्य की ये धमकी सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूं कि ये महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके ये बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वे कोई छोटी मोटी अस्थि तो नहीं हो सकती। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान लिया है तो कृपया आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा कवि को सुना रहा है और कवि बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय तब वो ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य कहा है कि संसार में चार प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, पहला राजहट, दूसरा बालहट, तीसरा त्रियाहट और चौथा योगहट। तुम राजा हो, राजहट पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तब वो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि राजा अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। प्रिय दर्शक बंधु, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं, जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द पर ध्यान लगाकर सुनना। तब वो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा नाम काल है, तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता पिता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी ये भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम ये भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वे धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं, तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी लोक पर आता हूं। मुझे ये पता होता है कि किस प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी।
मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूं अथवा पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई होती है अथवा निश्चित है और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उसी स्थान पर वैसी परिस्थितियां अथवा हालात बना देता हूं। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा है। तब राजा विक्रमादित्य बोले कि तुम फिर से झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। तब वो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि बेशक कारण मैं बना था, लेकिन संसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई है। उस वृक्ष पे से गिरकर उस वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा कौवी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, वो वृद्ध ब्राह्मण और उस राजा विक्रमादित्य से आगे कहता है कि उस लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष पर गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसे ही परिस्थितियां वे हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाहियों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों में लिखी हुई थी, अतः उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी हुई थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। वो ब्राह्मण और राजा विक्रमादित्य से कहता है कि राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और ये भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की संसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा कौवे को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, आगे काल कहने लगा कि हे राजन, अब मैं चलता हूं। तब राजा विक्रमादित्य बोले कि हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। उसके बाद कालदेव बोले कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तब राजा विक्रमादित्य बोले, कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर और किस प्रकार होगी। तब कालदेव बोले कि हे राजन, मैं ये तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब राजा विक्रमादित्य बोले कि हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? तब कालदेव बोले कि हे राजन, यदि मैंने पहले आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप तो जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जनकल्याणी कार्य करने हैं। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कथा को कौवा कौवी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। प्रिय दर्शक बंधु हो, तब कौवा आगे कहता है कि प्रिय, इसके बाद राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय नए सही तो ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहां और कैसे होगी। तब कालदेव बोले कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी महल में सीढ़ियों पे से पांव फिसलकर गिरने के कारण से होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। प्रिय दर्शक बंधु, इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे, चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक
शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः अपने मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महलों की ओर प्रस्थान कर गए और आगे चलकर। सचमुच में ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी, प्रिय दर्शक बंधु। और इस कथा की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। प्रिय दर्शकों, आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और आप ये जान गए होंगे कि जब किसी भी प्राणी की मृत्यु निकट आती है तो जिस स्थान पर उसकी मृत्यु होनी होती है उस स्थान पर वो कैसे पहुंच जाता है और परिस्थितियां उसके अनुकूल कैसे हो जाती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, हो कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।